हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टेक्निकल भानुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ गोरिल्ला ट्राइपॉड की। दोस्तों, ये ट्राइपॉड एक ऐसा ट्राइपॉड है जिसे आप कहीं पे भी कैसे भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, और साथ में दोस्तों ये आपके मोबाइल को भी होल्ड कर लेता है और कैमरे को भी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड की। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा बॉक्स आ चुका है और अब मैं इसे खोलने वाला हूँ। तो दोस्तों, देखा जाए तो बॉक्स बहुत बड़ा है, लेकिन ट्राइपॉड इतना बड़ा नहीं है। शायद हो सकता है इनको पैकिंग के लिए डब्बा नहीं मिला होगा, इसलिए इतने बड़े अमेज़ोन के पैकेट में इन्होंने पैक कर दिया है। चलिए दोस्तों, फटाक से हम इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इतने बड़े बॉक्स में निकल रहा है इतना बड़ा ट्राइपॉड। तो चलिए दोस्तों, इसकी खोल के हम फटाक से अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। आप इसका डब्बा देख सकते हो, ये ट्राइपॉड का जो साइज है 13 इंची का है, ठीक है। ये गोरिल्ला ट्राइपॉड है, इसे आप कैसे भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक प्रोफेशनली गोरिल्ला ट्राइपॉड है, इसकी कंपनी का नाम है टियागोट। ये देखिए, आप अदर कंपनियों के भी मिलते हैं, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसे खरीद सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो कुछ देखोगे तो इसमें लिखा है कि आप इसमें 1 किलो तक का वेट जो है यूज़ कर सकते हो, यानी 1 किलो तक का कैमरा जो है इसमें आप इजीली लगा सकते हो, यानी कि आप DSLR वगैरह भी लगा सकते हो और SLR भी लगा सकते हो, मोबाइल भी यूज़ कर सकते हो, मतलब सबके लिए है ये, ठीक है। दोस्तों, इसका जो वेट है, जो इसका गोरिल्ला का जो वेट है गोरिल्ला ट्राइपॉड का, वो है 120 ग्राम, ठीक है। अब दोस्तों, इसकी बात आती है इंस्टॉलेशन की, तो आप इसको बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ फोटोज़ दी गई हैं 4 स्टेप में, ये देखिए इस तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ फोटोज़ दी गई हैं, इन्हें आप देख सकते हो कि इसमें लिखा है कि ये GoPro का जो अपना कैमरा होता है, छोटा वाला एक्शन कैमरा, वो आप यूज़ कर सकते हो, DSLR यूज़ कर सकते हो, एक्शन DSLR वगैरह भी यूज़ कर सकते हो और मोबाइल भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि कुल मिला के इसमें आप ओवरऑल सब कुछ यूज़ कर सकते हो इस छोटे से ट्राइपॉड में। दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल का डिज़ाइन दिया है और साथ में इसमें मिलती है हमें 1 साल की वारंटी का कार्ड, और आपको इसमें एक मिलता है स्क्रू। यहाँ पे देखा है यूनिवर्सल स्क्रू, मतलब होता है कि आपको इसमें यूनिवर्सली कोई भी कुछ भी फिट कर सकते हो, आप इसमें कोई भी कैमरा मोबाइल ईजिली आसानी से। इसमें मिलता है आपको रोटिंग स्पेयर, जब आप कैमरा लगाओगे या मोबाइल लगाओगे तो वो रोट कर मतलब घूमेगा, राउंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें लिखा है स्टैंडी लेग्स, ये देखिए आप इसके लेग्स देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है साथ में इसमें एक मोबाइल होल्डर भी, ठीक है। और दोस्तों, ये जो लिखा है फ्लेक्सिबल जॉइंट, तो इसमें जो इसके जो जॉइंट होते हैं वो फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, आप इजीली कहीं से भी इसको मूवमेंट कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों, ये है गोरिल्ला ट्राइपॉड, और साथ में आपको इसमें मिलता है दोस्तों एक छोटा सा बोलना चाहिए रिमोट कंट्रोल, जिसकी मदद से आप फोटो भी दूर से बैठ के क्लिक कर सकते हो। ये है ब्लूटूथ रिमोट जो उसके साथ में आपको मिलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फटाक से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या आइटम आ रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हो सबसे पहले हमें मिल रहा है इसमें एक रिमोट कंट्रोल। दोस्तों, ये है हमें इसमें जो सबसे पहले मिल रहा है वो एक रिमोट, जिसकी मदद से आप फोटो वगैरह सेल्फी वगैरह इजीली ले सकते हो। तो हम इसे साइड रख देते हैं अभी। और ये है दोस्तों हमारा ट्राइपॉड, और तो डब्बे में कुछ नहीं है, तो हम इसे साइड रख देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलता है एक वारंटी कार्ड, और दोस्तों ये है हमारा स्टैंड। तो ये है जो मतलब बोलना चाहिए ये काय के लिए, ये आपके मोबाइल के लिए। तो यहाँ पे एक मतलब स्क्रू दिया है और एक यहाँ पे दिया है, इसको आप फंसा के मोबाइल को इस तरीके से फंसा सकते हो, इस तरीके से भी फंसा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, ये है हमारा सबसे प्यारा, और वो है गोरिल्ला ट्राइपॉड। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसमें कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये ऐसा ट्राइपॉड है दोस्तों, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, मैंने इसका मोड़ दिया, इधर से मोड़ दिया, इधर से मोड़ दिया, तो इस तरीके से बन गया, ये देखिए, है ना। आप इसे चाहे तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ये देखिए। बस ये याद रखिएगा आपका कैमरा ना गिरे, क्योंकि आप इसे कैसे भी किसी भी मोड में यूज़ कर सकते हो। आप इसको ऐसा घुमा लो, ये देखिए, इस टाइप से हो गया, इस टाइप से कर लो, ठीक है। और दोस्तों, जो यहाँ पे ये जो दिया है ये भी पूरा गोल गोल घूम जाता है, ये देखिए। यानी कुल मिला के इतना बढ़िया ट्राइपॉड है ये छोटा सा, बट इतना ही है कि ये छोटा है,
बट फ्लेक्सिबल है, यानी इजिली आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आप इसमें चाहो तो सेल्फी स्टिक भी यहाँ पे आप फंसा सकते हो, उसकी भी मैं अनबॉक्सिंग आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक बटन दी गई है, आप देखोगे तो इस बटन को दबाने से आप देखोगे तो ये जो है ये भाग के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको दबाया, ये बाहर आ गया, ठीक है। तो इसमें आप अपना कैमरा फंसा सकते हो, ठीक है। आप अपने जो मोबाइल का जो उसमें होल्डर दिया है वो फंसा सकते हो, ठीक है। तो फंसाने के लिए दोस्तों बस सिंपल, जैसे हमने इसको दबाया था वापस दबाइए, और ये जो इसका मुंह है इसका सेट रखिए, उसको धीरे से छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए, तो ये आपका प्रेस हो गया, अब ये निकलेगा नहीं। बस ये याद रखिएगा, जब भी आप इसमें कैमरा मोबाइल रखेंगे तो वीडियो शूट करते वक्त कभी भी इसको दबाइएगा नहीं अचानक से, नहीं तो आप इसको दबाओगे तो ये ऐसा बाहर निकल जाएगा, तो आपका कैमरा मोबाइल जो भी है वो गिर के टूट सकता है। तो आप इसको एक बार जब आप इसको फंसा लें तो इसको बस फंसे रहने दीजिएगा, यहाँ पे इसको मत छेड़िएगा। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सेल्फी के हिसाब से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये देखिए। तो है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपकी चीज़, आप नेट पे देखोगे, अमेजोन पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ट्राइपॉड मिलेंगे जो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन इस ट्राइपॉड की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ये मिला है 250 रुपये में। हो सकता है कि आपको ये 300-350 में भी मिल जाए, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक वीडियो शूट करते हो, ब्लॉगर हो, तो आपको इस तरीके का एक ट्राइपॉड जरूर लेना चाहिए। और दोस्तों इसका फ़ायदा एक ये भी है कि आप अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा खास है और आप इसे ज़रूर मंगवाइएगा। अब दोस्तों कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से घूम रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ पे जो है जो इसका गोल वाला जो भाग है इसके अंदर है, तो ऐसे सब में इन्हें दिया, ये देखिए सब में इस टाइप से आपको मिलेगा, इसी कारण से ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। आप इसे कैसे भी राउंड कर सकते हो, ये देखिए ये ईजिली कैसे भी घूम जाता है, ये देखिए इस तरीके से आप इस ट्राइपॉड को यूज़ कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको कैमरा फंसा के बताता हूँ कैमरा कैसे फंसाना है। तो दोस्तों ये है हमारा कैमरा ZV-E10, जिसको मैंने ऑनलाइन खरीदा है। अगर आपको इसको खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों इस कैमरे के लिए ही मैंने इस टाइप पे ट्राइपॉड मंगवाया था कि मुझे इसका यूज़ करना पड़े अच्छे से। तो चलिए इसको फंसाने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है दोस्तों, कभी भी आपको उसको डायरेक्ट नहीं फंसाना है, क्योंकि डायरेक्ट फंसाते हुए कई बार कैमरा गिर सकता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो बटन इसको दबाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये कैमरे को यहाँ पे इस तरीके से नट बोल्ट में फिट कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये आपका कैमरा जो है फिट हो गया, ठीक है। अब आपको इसको फंसाना है तो वापस से ये जो है इसको दबाइए, और ये जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला भाग को इधर करेंगे हम, ठीक है। ये देखिए ये भाग को हमने ऐसे किया और ये हमने फंसा दिया। और बस आप कभी भी ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि आपको ये जो है इसे नहीं दबाना, तो नहीं तो अदरवाइज ये कैमरा ये देखिए ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको रखना है ऐसे इस तरीके से, और बस अब आप कैमरे में वीडियो शूट कर लीजिए, जो भी आपको शूट करना है इजीली आसानी से आप सब सारा काम कर सकते हो। तो है ना दोस्तों, बढ़िया कमाल की चीज़। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें मोबाइल फंसा के देखते हैं कि मोबाइल कैसे फंसता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कैमरे का काम, ठीक है। दोस्तों मोबाइल फंसाने के लिए आपको जो है ये जो होल्डर है, इसी होल्डर में आपको ये जो इसमें जो होल्डर दिया है ये वाला होल्डर फंसाना पड़ेगा, ठीक है। तो फंसाने के लिए दोस्तों चाहो तो आप इसको निकाल लो, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है आप देखोगे तो ये जो मैंने आपको भी बताया था, इसमें यहाँ पे भी नट एक दिया है फंसाने के लिए और यहाँ पे भी दिया, तो आप कोई सा भी किसी भी एंगल से इसको फंसा के शूट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको मोबाइल खड़े में चाहिए ना, जैसे आप इंस्टाग्राम के लिए शूट करते हो वीडियो या कुछ सेल्फी वगैरह ले रहे हो खड़े में, तो आप इस तरीके से फंसा लो, है ना। ये देखिए तो ये जो है आपका जो मोबाइल का स्टैंड है ऐसा सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको फंसाओगे तो ये देखिए, तो ये कैसा आया, ये देखिए खड़े में, देखिए यहाँ से फंसा दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इस तरीके के गोरिल्ला जो ग्लास है, ये देखिए अब आपको बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे अपने मोबाइल को फंसा लेना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे अपने मोबाइल को फिट कर लीजिए दोस्तों। इसको फंसाने के लिए आप ये देखिए इस तरीके, और ये वाले भाग को आपको इस तरीके से खींचना है और आपके मोबाइल को इस तरीके से रखना है। ये देखिए तो ये जो है आपका मोबाइल भी फिट हो गया। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज़, ये देखिए आप इसे आसानी से शूट कर सकते हो, वीडियोज़ वगैरह ले सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, बहुत सारे काम इसमें आप कर सकते हो। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है इसका रिमोट। अब इसके रिमोट का कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए तो रिमोट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए हमने ब्लूटूथ जो है ऑन कर लिया है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, ठीक है। और यहाँ से ये जो है दोस्तों इसकी जो बटन है, हम इसे भी यहाँ से चालू कर देंगे। जैसे आप चालू करोगे तो यहाँ पे देखोगे ब्लू कलर का जो लाइट है इसमें जलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे बस कनेक्ट करना है। कनेक्ट होने के बाद दोस्तों आप आसानी से इसमें सेल्फी ले सकते हो। सेल्फी लेने के लिए बस आपको कैमरे को रखना है और ये रिमोट के बटन को दबाना है। ये देखिए हमारी जो सेल्फी खींचती जा रही है, देखिए
देखिए कितने साइज आपने देखा, एक गोरिल्ला ट्राइपॉड कितने काम का है। दोस्तों अगर आपको इसको खरीदना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर के इस गोरिल्ला ट्राइपॉड को खरीद सकते हो। और साथ में दोस्तों अगर आपको सोनी ZV-E10 को अगर खरीदना हो उस कैमरे को, तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे दिया हूँ, वहाँ पर आप डिस्काउंट ऑफर में से खरीद सकते हो। दोस्तों ये कैमरे का जो ट्राइपॉड है बहुत काम आने वाला है। अगर आप इसको लेते हो तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसमें कैमरा भी फंसा सकते हो, मोबाइल भी फंसा सकते हो, और आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप इसे खिड़की में टांग लो या कहीं खंभे में इसको ऐसा राउंड करके बांध लो, कुछ भी कर सकते हो। यानी कि बहुत ही अच्छा ट्राईपोर्ट है, तो आप इसे ज़रूर खरीदीजिएगा। भले आप कोई भी ट्राईपोर्ट खरीदें, लेकिन ये ट्राईपोर्ट ज़रूर खरीद के रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसी और भी वीडियोज़ देखने लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों अभी के लिए बाय, टेक केयर।